फेस ऑफ द वीक में एशियन भारत के फेस ऑफ द वीक में आज हमारे साथ खास शख्सियत हैं, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, और मध्य प्रदेश अनलॉक होने की तरफ जा रहा है, हम उनसे खास बात करेंगे। आपका स्वागत है एशियन भारत के फेस ऑफ द वीक कार्यक्रम में। ये मध्य प्रदेश अनलॉक होने की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है 2 महीने के बाद, अब एक बार सरकार फिर से लॉकडाउन खत्म करने की ओर है, क्या किस तरह की तैयारियां हैं सरकार की? देखिए, सीधा सीधा इस संक्रमण के जो बीमारी है इसकी बचत का एक ही फार्मूला है कि हम अपने व्यवहार को संयमित करें, अनुशासित करें, और इसीलिए हमने लॉकडाउन नहीं लगाया। आप जो शब्द लॉकडाउन बोल रहे हैं, हम लॉकडाउन के पक्षधर नहीं हैं। हमने मध्य प्रदेश में हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया, जिसमें जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के प्रशासकीय अधिकारी हैं, सामाजिक और राजनीतिक दल के विशिष्ट कार्यकर्ता हैं, और उन लोगों ने जहाँ जहाँ भी रिकमेंड किया उस जिले की समीक्षा कर वहाँ हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। तो कोरोना कर्फ्यू के रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं, और हमने मध्य प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी जो रेट है उसको कम किया है, रिकवरी रेट को बढ़ाया है। तो ये सुनिश्चित किया है, क्योंकि अब स्थिति नियंत्रण में है, तो जून के प्रथम सप्ताह से हम कुछ ऐसा प्रकल्प स्थापित करेंगे जिससे कि ये सुनिश्चित हो कि हम कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से विड्रॉ करें। तो ये जो चरणबद्ध तरीके से जो विड्रॉ करने की बात है, किस तरह आगे बढ़ेगी सरकार? अगर एक बार भी थोड़ी सी भी छूट मिलती है तो लोग सड़कों पर दिखते हैं। नहीं, देखिए, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे लड़ाई में एक आंदोलन स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना की जंग केवल सरकार नहीं लड़ रही, केवल प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं लड़ रहे, बल्कि हमने समाज को खड़ा किया है। हर गांव में हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, संकट प्रबंधन समिति, हर पंचायत पर, हर ब्लॉक में, शहर में, हर वार्ड में, जिले में और प्रदेश में, इस तरह से एक पूरा पिरामिड बनाया है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये संक्रमण का रोग है, लोगों के व्यवहार से फैलता है और लोगों से के व्यवहार से ही रुकता है। हम यदि संयमित हो जाएंगे, अनुशासित हो जाएंगे, तो संक्रमण रुक जाएगा, और यदि हमने कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा तो फिर बढ़ जाएगा। और यही देखिए पिछले 1.5 साल में हो रहा है, यदि लॉकडाउन होता है तो फिर कोरोना की दर कम हो जाती है, अनलॉक होता है तो वो 3-4 महीने लेती है और फिर पीक पे पहुंच जाती है। इसलिए इस बार अनलॉक के बाद, कोरोना कर्फ्यू के विड्रॉल के बाद ये स्थिति ना बने, इसमें अब समाज लगेगा। एक एक गांव का हमारा जो संकट प्रबंधन समिति है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, ये सुनिश्चित करेगा कि उसका गांव, उसकी पंचायत कोरोना मुक्त हो। मेरा कहने का मतलब है कि आम आदमी, सरकार जिस तरह से भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी अलग अलग चरणों में, प्रथम चरण में किस तरह लोगों को सहूलियत मिलेगी, कौन कौन सी ऐसी दुकानें हैं जो खुल जाएंगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, जिनका आर्थिक हमारी जो व्यवस्था है उसके लिए भी बहुत आवश्यकता है, और रोज़मर्रा में आदमी को भी बहुत आवश्यकता है, ऐसे वर्गों को, ऐसे सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके उनको खोला जाएगा। पर उसके साथ साथ सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि ऐसी दुकानें खुलती है, मार्केट खुलता है, तो उसमें सुनिश्चित रूप से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। लेकिन हम 1 साल पहले भी देख चुके हैं कोरोना काल, और जो है उसके बाद जो ढिलाई दी गई थी, कहा जाता है कि गोले बनाए जाएंगे हर दुकान के सामने, बहुत ही सख्ती के साथ, तो बहुत ही संयम के साथ जो है आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन आम जनता है जो एकदम बात को फॉलो नहीं कर पाती। नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि किसी भी विषय के जनजागरण में समय लगता है, और इस बार जनता ने इस कोरोना वेव की भयावहता को देखा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो सेकेंड वेव है इसका स्ट्रेन बहुत ही स्ट्रांग था, जहाँ एक और वो संक्रमित करने की दर में इजाफा हुआ था तो उसकी इंटेंसिटी भी बीमारी की ज़्यादा थी। मुझे लगता है जनता को निश्चित इस बात का भान हुआ है, इस बात का ज्ञान हुआ है कि यदि अपने को और अपने परिवार को कोरोना जैसी महामारी से बचाना है तो हमें निश्चित रूप से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। दफ्तर जो अभी तक बंद थे, 10% खाली अनुमति दी गई थी, क्या अब सारे दफ्तर खुल जाएंगे? नहीं, सारे तो नहीं खुले जाएंगे, फिर उसमें वही सेग्रीगेट होगा, वर्गीकृत करके ही निर्णय लिया जाएगा। जिन जिन दफ्तरों में
वर्क फ्रॉम होम हो सकता है वो उनसे वैसा कराया जाएगा, और जिस भी ऑफिस की या वर्किंग जो स्पेस जो जगह है उसमें जितनी आवश्यकता होगी उतने ही एम्प्लॉयज़ को या अधिकारियों को अलाउ किया जाएगा। इसमें अब जैसे कि दुकानों की बात आई, शराब की दुकानें खुलेंगी और शराब की दुकानों के सामने अक्सर शराब की दुकान खुलेगी, आपको कहाँ से पता लग गया अभी? ऐसा कहा जा रहा है कि शराब की दुकानें और निर्णय होना बाकी है। मैंने कहा कि जो भी दुकान खुलेगी उस पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, यदि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो दुकान सील कर दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बहुत तीखे आरोप लगा रहे हैं। तीखे आरोप नहीं लगा रहे, बदतमीजी कर रहे हैं, इस देश को शर्मसार कर रहे हैं, इस देश का मान और सम्मान घटा रहे हैं। उन्होंने ये बात को फिर स्थापित कर दिया है कि कांग्रेस केवल और केवल अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाली पार्टी, उसको हिंदुस्तान के मान और सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये उन्होंने स्थापित कर दिया कि हिंदुस्तान के मान को तार तार करने का काम कांग्रेस करती रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो इसीलिए कांग्रेस के नेता राजनीति करते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी को अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को बचाना है, इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चमचागिरी करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो चाइना और पाकिस्तान का एजेंडा है, तो क्या आप चाइना और पाकिस्तान के एजेंडों को आगे बढ़ाना चाहते हो? ये शर्मसार करने वाला बयान है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके खिलाफ़ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को सामने आकर इस बात को बताना चाहिए कि क्या वो इस बात से सहमत हैं, क्या कमलनाथ के इस बयान से वो सहमति व्यक्त करते हैं, यदि नहीं तो कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ को निकाला जाना चाहिए। लेकिन कमलनाथ बार बार अपने उन्हीं बयानों को दोहरा भी रहे हैं। अब ये तो देखिए गुनाहे बेलज़्ज़त, यही तो गलती है, सबसे दिक्कत वाली बात तो यही है कि वो लगातार देश का मान और सम्मान बिगाड़ रहे हैं पर कांग्रेस के नेताओं के कानों में जू नहीं रेंग रहे। सोनिया गांधी को ये बात समझ में नहीं आ रही, राहुल गांधी कहाँ सो रहे हैं मालूम नहीं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। कमलनाथ ने 50 साल तक इस देश की राजनीति में विभिन्न पदों पर रहते हुए करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो जो पैसा है वो इस देश का ही है। कमलनाथ जी, जिस देश को तुम बोल रहे हो कि अब वो महान नहीं बचा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कमलनाथ जी, तुम्हारे कोसने से कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान पहले भी महान था, आज भी महान है और आगे भी महान रहेगा। एक और संगीन आरोप लगा रहे हैं, वो कोरोना से संबंधित भी है कि प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा मौतें हुई। देखिए, हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी सरकार की किसी भी स्तर पर किसी भी विषय में ना आंकड़े छुपाने की मंशा है ना हमारे से निर्देश है। नहीं, लेकिन कमलनाथ के जो आरोप हैं उस पर FIR भी हुई है, लेकिन सरकार और आगे क्या ऐसा करेगी ताकि जो है इस तरह की जो खिलवाड़ है भावनाओं के साथ भी खिलवाड़? देखिए, दो बातें हैं, महामारी के समय यदि इस आपदा में जो अवसर ढूंढेगा, हम कुछ करें ना करें जनता उसको जरूर मजा चखाएगी। जो मौत पर राजनीति करेगा, सरकार उसके खिलाफ कुछ करे ना करे, जनता उसको इसका मजा चखाएगी। जो लाशों पर खड़े होकर अपने भवन बनाना चाहते हैं उनको जनता देखेगी। महामारी में जो राजनीति करेगा उसको बख्शेगी नहीं जनता। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कुछ मौतें ऐसी हुई हैं जो कोविड सस्पेक्ट जिनको कहा गया है और जिनको कोविड से मौत नहीं माना जा रहा है, लेकिन सरकार ने जिस तरह जो अनुग्रह राशि हो या दूसरी सुविधाएं हैं, क्या कोविड सस्पेक्ट के मामले में सरकार ऐसा कुछ? सरकार की स्पष्ट सरकार ने योजना बनाई है और इसमें कहीं भी कोई गफलत की स्थिति नहीं रहेगी। केवल मीडिया स्पेकुलेशन या विपक्ष के आरोपों से योजनाएँ के क्रियान्वयन में कोई दिक्कत होगी ऐसा नहीं है, सभी क्रियान्वयन सही होगी और जो भी पात्र हैं उनको पूरी तरह से उस योजना का लाभ मिलेगा। अभी जो है अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो एक हनी ट्रैप जैसा जो जिन्न है वो भी उन्होंने बोतल से बाहर निकालने की कोशिश की है। उन्होंने बोतल से बाहर पहले बंद क्यों किया था? यदि जिन्न को वो कह रहे हैं कि मैंने बोतल से बाहर निकाला, तो किसने कहा था कि जिन्न को बोतल में बंद करो? किसने कहा था CD मत दिखाओ? किसने कहा था जांच मत करो? इसका मतलब आपको मालूम था कि उस CD में आपके नेताओं के ही फोटो हैं और नाम है,
और इसीलिए आपने वो छुपाई थी, हमारा तो स्पष्ट आरोप है, और इतने दिनों में टेम्परिंग कर दी, इतने दिनों में उसको उसको मैनिपुलेट कर दिया, इसलिए अब बातें कर रहे हैं। और फिर किसने कहा था, कमलनाथ जी आपने तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ये शपथ ली थी कि मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई भी विषय आएगा तो मैं उसकी उसको किसी तरह उसका गलत उपयोग नहीं करूँगा। इसका मतलब कि आपने संविधान के शपथ का मजाक उड़ाया है कमलनाथ जी। ये स्थापित हुआ है कि आपने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं की जो कि आपसे अपेक्षित थी। आपने क्यों जांच नहीं कराई, क्यों दोषियों को अंदर नहीं किया, राज का आप ब्लैकमेलिंग करने के लिए आपने ये सीडी बचा के रखी थी। ये तो बहुत बड़ा, ये खुद ही उनको अब जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने सीडी यदि उनके पास थी तो उसको पब्लिक क्यों नहीं किया और उसकी जाँच क्यों नहीं। एक अब अनलॉक होने की बात भी हो रही है, लेकिन एक कोरोना के बाद ब्लैक फंगस एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में फिर सामने आ रही है। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस एक बड़ी बीमारी आई है, पर हमने मध्य प्रदेश में उसके सुचारू इलाज की सुव्यवस्था की है और हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में हमने अलग से म्यूकोर यूनिट बनाई है जिसमें इलाज चल रहा है। लेकिन हमेशा जब बात सामने आती है तो मरीजों के परिजन गुहार लगाते हुए दिखते हैं कि इंजेक्शन की कमी है। देखिए, एम्फोटेरिसिन बी जो कि म्यूकोरमाइकोसिस के लिए उपयोग में आने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई है, उसकी पूरे देश में कमी है, पर लगातार हम उसका युक्तिकरण कर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो लोगों को मिल सके। एक ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस और येलो फंगस, ICMR, देखिए बहुत टेक्निकल बात है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, पर ICMR कह चुका है कि कलर के हिसाब से फंगस को हम अलग अलग यदि वर्गीकृत करेंगे तो ये ठीक नहीं है। जिस भी फंगस का जो इलाज है वो सुनिश्चित किया जाएगा। इंजेक्शन की कमी कब तक दूर हो जाएगी? एम्फोटेरिसिन बी के बारे में लगातार बातचीत हो रही है और केंद्र सरकार भी इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि उसका प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हो, और यदि इंपोर्ट होने की स्थिति है तो उसकी भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। एक केंद्र सरकार की एक चिट्ठी और आजकल चर्चा में है जो जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो कोविड के नियंत्रण के लिए अब 30 जून तक अगर नहीं, देखिए इस तरह का उसमें उन्होंने एडवाइस दी है और इसमें ये नहीं कहा गया कि 30 जून तक आप बंद कर दीजिए या खोलिए मत, पर उसमें उन्होंने कहा कि आपकी लोकल जो स्थिति है, जो स्थानीय जो आज की परिस्थिति है उसकी समीक्षा करके निर्णय लीजिए। ऐसा सामने आ रहा है कि 30 मई को जो है जो गांव के स्तर पर जो क्राइसिस कमेटी की बैठकें होंगी, ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम जो भी निर्णय लेंगे कर्फ्यू लगाने या हटाने, रिलैक्सेशन देने और नहीं देने का, वो हमारी स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो रिकमेंडेशन होगी उसको माना जाएगा। बड़े बड़े जो ज़िले हैं अभी इंदौर भोपाल को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, और जो भी ज़िले हैं जहां अभी संक्रमण बना हुआ है, ऐसा कहा जा रहा था कि पॉजिटिव रेट अगर 5% से ज़्यादा है तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइट रखा जाएगा मामले। देखिए, ये ज़रूरी है कि यदि कहीं संक्रमण पूरी तरह से घटा नहीं है तो उसको उसमें रिलैक्सेशन ना दिया जाए, पर उस पर काम चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है सभी जो पुरानी स्थिति है उससे वर्तमान में अच्छे स्थिति में आए, और आज जो स्थिति है उस वो आगे आने वाले दिनों में और सुधरेगी। एक टर्मिनोलॉजी बहुत सामने आ रही है, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन। देखिए, इस अलग अलग ज़िले में अलग अलग स्तर पर ये सुनिश्चित किया गया है कि हम अपने वार्ड को, अपने क्षेत्र को, अपनी पंचायत को वर्गीकृत करें। रेड जोन का मतलब है जहाँ सबसे ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं पॉजिटिव, उससे नीचे ऑरेंज जोन, उससे नीचे येलो और फिर ग्रीन। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम सभी क्षेत्र को ग्रीन जोन में लेके आए। लेकिन जब तक ग्रीन जोन में जब नहीं आते हैं तो रेड जोन और येलो जोन इनका क्या, किस तरह के मापदंड है उसकी समीक्षा करना है। दो बातें हैं, कोरोना की चेन को तोड़ना है तो कॉन्टैक्ट में जो लोग आए हैं पॉजिटिव के वो ना आए, इसकी हमें व्यवस्था करनी है। जो होम आइसोलेशन में है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है कि वो स्प्रेडर ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराना है जिसमें यदि कोई पॉजिटिव मरीज़ घूम रहा है तो वो होम आइसोलेशन में हो जाए या अस्पताल चला जाए, ये स्ट्रेटेजी है। रेड जोन में जो कंटेनमेंट की जो बात पहले इसके पहले ये हमारे यहाँ हमने माइक्रो कंटेनमेंट एरिए की व्यवस्था की है और ये सुनिश्चित किया है कि यदि किसी एक एरिए में कोई मरीज़ मिलता है तो पूरा क्षेत्र तकलीफ़ में ना रहे, उसको कंटेन किया जाए। आज सुबह आपने साइकिल से सड़क पर जाकर लोगों को समझाइश भी दी, उनकी परेशानियाँ भी सुनी,
और समाधान की बात भी मौके पर ही की। किस तरह आप देखते हैं, किस तरह की लोगों की परेशानियां हैं और किस तरह और जागरूकता की जरूरत है? कोई परेशानी किसी ने नहीं बताई, सभी को लगता है कि इस महामारी में ये जरूरी है कि हम अनुशासन और संयम का ध्यान रखें। हम भोपाल सहित पूरे प्रदेश में जो होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, और आज मैं साइकिल पर गया था हमारे उन होम आइसोलेटेड पेशेंट से मिलने जो कि घर में ही अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनसे मैं मिला। और रास्ते में जो लोग मास्क नहीं पहने थे उनको समझाइश देना, जो दुकानें डेयरी या उस तरह की रोज़मर्रा की वस्तुएं बेचने वाली जो दुकान है उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, इसके लिए दौरा था। ग्रामीण क्षेत्र में भी इस बार कोरोना की स्थिति, ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति बनी है, हमने किल कोरोना अभियान चलाया है। किल कोरोना अभियान का मतलब हर पंचायत में, हर गाँव में, हर घर में हमारी प्रशासकीय कर्मचारियों की टोली जा रही है जो इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि यदि किसी को भी लक्षण है तो उसको तत्काल प्रभाव से मेडिकल किट दे। और उसके साथ साथ इस टोली में हम, जैसा बताया कि संकट प्रबंधन समिति जो है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, उसके सदस्य भी जाकर लोगों को टेस्टिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और यदि किसी को जुकाम है, सर्दी है तो उसको किट दे रहे हैं, और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को भी अब वो आगे बढ़ाने में लगे हैं। वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी आपको दी गई है और 18+, देखिए मध्य प्रदेश में हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत अच्छे से निष्पादित किया है। हेल्थ लाइन जो वर्कर हैं उसको हमने पूरी तरह से 81% फर्स्ट डोज लगाया है, सेकंड डोज काम पर काम चल रहा है। जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर है उस पर भी हमारा वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज हो गया, सेकेंड डोज लग रहा है। 45+ वाले जो हमारे हितग्राही हैं उनका हमारा बहुत सुचारू रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। 18+ को लेकर भी हमने 45,000 डोजेस का ऑर्डर दिया था, हमें वैक्सीन मिल रही है और लगातार हम रोज़ उसकी दर को बढ़ा रहे हैं। दो तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं, कई जगह लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन करवाने, देखिए अब तो रिलैक्सेशन मिल गया है। जो 45+ में तो कोई रजिस्ट्रेशन की दिक्कत नहीं थी, 18+ के जो लोग हैं उनको दिक्कत थी कि उनका यदि रजिस्ट्रेशन हो जाता तो स्लॉट मिलने में, या स्लॉट मिलता है तो बहुत दूर मिलता है, इसलिए सरकार ने ये निश्चित किया है। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर तो अभी रजिस्ट्रेशन हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा और उसके माध्यम से उनको वैक्सीन लगेगी, पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ अब ऑफलाइन हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करा के और ये वैक्सीन लगाएंगे, और वहीं के वहीं ऑन स्पॉट यदि कोई व्यक्ति आएगा तो उसको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 100% वैक्सीनेशन हो इसके लिए और क्या, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जन जागरण करें। कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन को लेकर जो भ्रामक प्रचार किया है उसका जरूर परिणाम निकला है कि कुछ लोगों में इसके प्रति भय है, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, पर धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से और हमारे जन जागरण के माध्यम से हम स्थिति को ठीक करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री होने के नाते आपने काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं कि बेड्स की संख्या बढ़े, और अब किस तरह आप देखते हैं आने दो महीने में कितना प्रदर्शन बदला? देखिए तीसरी लहर की भी अब हमने तैयारी शुरू कर दी है, और इंस्टीट्यूशनल वाइज संस्थागत अब हम प्लानिंग कर रहे हैं। हर संस्था की अपनी एक हम रिपोर्ट बना रहे हैं जो ये सुनिश्चित करेगी कि उस संस्था के यदि एनहेंसमेंट करना है तो हम क्या क्या करें, और उसी के लिए उनके बिस्तर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना, उसके साथ वेंटिलेटर की व्यवस्था। और ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो तीसरी लहर होगी वो पीडियाट्रिक फील्ड की होगी, मतलब बच्चों में इसका असर हो सकता है, तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अभी जैसे स्टाफ की बात होती है या कई जगह जूनियर डॉक्टर्स की समस्याएं आती हैं, इन सब को लेकर आप प्रयास कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स की समस्याओं को भी सुलझाने की तरफ आपने कदम बढ़ाए हैं? देखिए हमारी सरकार संवेदनशील और संवाद स्थापित करने वाली सरकार है, हर वर्ग का कल्याण हो और वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके इसका हम प्रयास करते हैं, और इसीलिए हर वर्ग को संतुष्ट करते हुए काम में लगाना ये हमारा उद्देश्य है। पोस्ट कोविड सेंटर्स की व्यवस्था भी सरकार कर, मध्य प्रदेश में हमने एक नवाचार किया है, कोविड केयर सेंटर पूरे देश में है, पर हमने ये देखा कि इस वेव में कोरोना के बाद लोगों को बहुत दिक्कत आई और जो एग्जिट काउंसलिंग होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अस्पतालों में कमी थी, तो हमने पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाया, स्टेप डाउन सेंटर है,
जिसमें जो मरीज अब अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं है जिनको, उनको हम पोस्ट कोविड केयर सेंटर में रखते हैं, जहां उनको जहां एक और चिकित्सीय बैकअप मिलता है, उनको न्यूट्रिशन अच्छी ले सकें उसकी व्यवस्था की जाती है। तो उसके साथ ही उनको आगे आने वाले समय में कोविड से उठने के बाद, कोविड से ठीक होने के बाद दिनचर्या कैसी रखनी, इसका भी ज्ञान दिया जाता है। तो इस मरीज़ को भी फ़ायदा होता है, और दूसरी तरफ हमारे जो अस्पताल हैं उसमें हमारा जो दबाव है वो कम होता है। तो ये एक अच्छा प्रयोग हमारा। दूसरी लहर जब आई और स्थितियां भयावह हुई, तो एक समस्या बहुत बड़ी सामने आई थी कि ऑक्सीजन को लेकर हमारी सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया। उसकी आपूर्ति और खपत के अनुपात में हमने कभी भी अंतर नहीं होने दिया। पीक टाइम पर भी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन हमें मिलती रही, और अब सेल्फ सस्टेनेबल प्रदेश बनने के लिए हम पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रहे हैं। और तीसरी लहर को लेकर और क्या तैयारियां हैं जो सरकार कर रही है? जैसा मैंने बताया, तीसरी लहर में जहां हम हॉस्पिटल के प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो हमारा मैन पावर की ट्रेनिंग की बात, बच्चों की व्यवस्था ठीक ढंग से हो सके, और हम ये सुनिश्चित करें कि हम वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, जिससे कि तीसरी लहर की भयावहता हमारे सामने ना आए। जिस तरह अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात भी आई थी सामने, उसकी भी लगातार कालाबाजारी की बात है। अब हम तो तीसरी लहर में इस बात की भी सुनिश्चितता कर रहे हैं कि जो भी हमें दवाइयाँ लगी हैं उनको हमारा प्रोक्योरमेंट ठीक रहे। लेकिन जो है तीसरी लहर की जो बात अभी हो रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी कह चुके हैं कि तीसरी लहर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसमें जो इंटरवल है, जो दूसरी लहर और तीसरी लहर के बीच का, इसमें किस तरह, क्या वो व्यवस्थाएं बन पाएंगी? बताया ना, व्यवस्थाएं बनेंगी और चुनौती के रूप में हम काम कर रहे हैं, बनेंगी व्यवस्थाएं। स्टाफ की कमी है, कई बार जो है दूसरे डॉक्टर की कमी, जिनको झोला पैरेलल हेल्थ वर्कर की हम टीम तैयार कर रहे हैं, और हर जो पैथी के डॉक्टर्स हैं उनकी हम ट्रेनिंग कर उनको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। मंत्री जी, एक वैक्सीन की कमी भी सामने आती है, कई बार आता है कि सेंटर्स पर जो है वैक्सीन नहीं है, इसलिए लोग जो है टीकाकरण नहीं करवा पा रहे हैं, और सरकार लगातार गैप बढ़ा रही है कि इतने दिन 8 की जगह 12 सप्ताह बाद अब वैक्सीन लगवाएं। नहीं नहीं नहीं, ये कोई कमी की बात नहीं है। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 45 प्लस की उम्र के लिए वैक्सीन है वो सफिशियंट मात्रा में। ये जो लोग नहीं आ रहे, इसका कारण तो वो कांग्रेस का दुष्प्रचार है। कांग्रेस के नेताओं ने पाप किया, कांग्रेस के नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों को गुमराह किया, और जो शुरू में चाहे वो अखिलेश यादव हों या कांग्रेस के बाकी नेता हों, उन्होंने जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर अनर्गल बातें की, उसका परिणाम है कि लोगों में भ्रम है, लोगों में डर है। पर मैं आपको, मीडिया को और बाकी सब लोगों को बधाई दूंगा कि अब वो भ्रम की स्थिति खत्म की है, अब अफवाह खत्म की है, और ये सुनिश्चित किया है कि लोग आएँ और अब लोग लगवाना शुरू हो गए। एक ये भी मांग उठी थी लगातार कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पे जागरूकता के लिए उन्हीं की भाषा में प्रचार प्रसार किया जाए। देखिए, प्रचार प्रसार और जन जागरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों का एक समूह बनाया है, वो इस पर विचार कर रहा है और इस लाइन पर भी काम हो रहा है। एक अगर देखा जाए तो निजी अस्पतालों में जो है कई बार कई तरह की व्यवस्थाएं सामने आई, आयुष्मान कार्ड को लेकर भी लगातार कई बार। देखिए, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरुआत की है, उसमें हमने 88% परिवारों को कवरेज में लिया है। 88% परिवार मध्य प्रदेश के आयुष्मान भारत का जिनका कार्ड है उनको किया है, तत्काल प्रभाव से कार्ड बन जाए इसकी व्यवस्था की है, और ये सुनिश्चित किया गया है कि जो कोविड के अस्पताल हैं उसमें कम से कम 20% बिस्तर तो उन्हें कोविड के इलाज के लिए रखना पड़ेगा जो आयुष्मान से जुड़े हुए हैं। तो हम तो इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। एक बहुत मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितनी भी मौतें हुई हैं, भाजपा हमेशा कहती है, आपके मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हर मौत बहुत दुखद है, हर मौत विचलित करती है, लेकिन इन परिवारों के लिए जिनके मुखिया चले गए हैं, जिनके कमाने वाला सदस्य चला गया है, सरकार ने ऐसा क्या क्या सोचा है? देखिए, हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है, और इस कोविड के संकट में यदि, जैसा आपने सही कहा है कि किसी की मृत्यु हुई है तो उसका स्थान नहीं भरा जा सकता, बहुत दर्दनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु सरकार ने आंसू पोंछने का काम तो किया है। जहां एक और हमने कोविड का फ्री में इलाज मिल सके इसकी व्यवस्था की है,
तो दूसरी ओर जो बच्चे अनाथ हो गए उनको हम 5,000 रुपये महीना पेंशन देंगे, उनकी मुफ्त में इलाज की और मुफ्त में पढ़ाई का इंतजाम हम कर रहे हैं। जिन परिवारों में लोगों की मृत्यु हो गई उन्हें 1,00,000 रुपये देने अनुग्रह राशि के रूप में देने वाले हैं। जो अधिकारी कर्मचारियों की इस दौरान में मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति और अनुग्रह राशि के रूप में 5,00,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। तो हर स्तर पर हमने 7 महीने का राशन फ्री में दिया है। हम हर स्तर पर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस कठिन दौर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सरकार की ओर से मिल सके। एक सवाल और आपसे अगर करें, 30 अब दूसरी लहर आने के बाद ये बहुत विषम स्थिति देखने को मिली थी कि कहीं वेंटिलेटर्स नहीं हैं, कहीं बेड्स भी नहीं हैं, सरकार ने बहुत कुछ किया भी है, लेकिन तीसरी लहर अगर इससे भी और ज़्यादा भयावह हुई तो क्या बेड्स, ऑक्सीजन और उसकी पूरी, जैसा मैंने कहा कि संस्थागत हम तैयारी कर रहे हैं। हर एक जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का। पर आप तो भगवान से प्रार्थना करिए कि तीसरी लहर ना आए। नहीं, प्रार्थना तो अपनी जगह है लेकिन जो होता है उसको तो टाला नहीं जा सकता। प्रार्थना तो हम सबको भगवान से, हम पूरी तैयारी में, हम पूरी तैयारी में तैयारी कर रहे हैं, हम संस्थागत प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। थैंक यू, नमस्कार। एशियन भारत के फेस ऑफ द वीक में हमारे साथ थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी। अगली बार फिर किसी खास शख्सियत के साथ मिलेंगे। नमस्कार। फेस ऑफ द वीक।